हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप भी टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वीडियो ध्यान से देखते रहिए और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देख सकते हैं स्टार्टिंग टाइम लिखा हुआ है 4 PM और यहां पर एंडिंग टाइम लिखा हुआ है 7:30 PM। तो 4 PM और 7:30 PM के बीच में कितने का डिफरेंस है आप तो वैसे हाथ पे काउंट कर सकते हैं। तो 5, 6, 7 यानी 3.5 घंटे का डिफरेंस है। तो यहां पर वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे। यहां पर क्या करेंगे हम, ये जो एंडिंग टाइम है इसमें से स्टार्टिंग टाइम को माइनस कर देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 24 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई 24 करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये आएगा नहीं। तो यहां पर देख सकते हैं 3.5 घंटे का डिफरेंस आ रहा है जो मैंने बताया था अभी काउंट करके। अब इसको अगर नीचे ट्रैक कर देंगे तो ये यहाँ पे डिफरेंसेस आपको पता चल जाएंगे। यहाँ पे 12 घंटे का डिफरेंस है, 6 AM से 6 PM का डिफरेंस है, तो 12 घंटे का डिफरेंस तो हुआ ही। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, इज इक्वल टू का निशान लगाता हूँ और सम का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। कुछ इस तरीके से ये सम का फॉर्मूला लगा लिया और अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए इतने पार्ट को, ठीक है। आपको टोटल का डिफरेंस है, ठीक है, मतलब 18.5 घंटे वर्किंग आवर है, डिफरेंस नहीं बल्कि वर्किंग आवर है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।